अगर आप टेलीग्राम यूजर, हम टेलीग्राम में भी अपना एक ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं, तो आज के वीडियो आप जैसे यूजर्स के लिए बेस्ट होने वाला है। टेलीग्राम में ग्रुप बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यूनिक वे में एक प्रोफेशनल तरीका से बनाना बहुत बड़ी बात है। और आज के इस वीडियो में आपको टेलीग्राम ग्रुप को बनाने से रिलेटेड आपको तमाम जानकारियां दूंगा कि आपको एक टेलीग्राम ग्रुप बनाने के लिए आपको किन किन स्टेप्स को, किन किन तरीकों को अपनाने चाहिए, ताकि आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है ज़्यादा से ज़्यादा सर्च रिजल्ट में आ सके। क्योंकि जब तक वो सर्च रिजल्ट में आएगा नहीं, तब तक वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स को गेन नहीं करेगा। और इसी चीज़ को मैं आपको, ये तमाम जानकारी को मैं आपको डीप में डीपली प्रोवाइड करूंगा। इतना तो छोड़ो, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप को बनाने के दौरान मैं आपको एक ऐसे एआई टूल्स, एक आपको एक ऐसे रोबोट के बारे में बताऊंगा जो कि आपके टेलीग्राम ग्रुप को वो खुद ही मैनेज करेगा। आपको मैनेज करने के लिए आपको वहां पे कुछ समय नहीं देना पड़ेगा, इससे आपका समय तो बचेगा ही बचेगा, साथ ही साथ आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका एक प्रोफेशनल लुक के साथ साथ एक यूनिक वे में देखने को मिल जाएगा। अगर आप भी इसी तरीका से टेलीग्राम ग्रुप को क्रिएट करना चाहते हो, तो आज का वीडियो आप लोग के लिए एक मस्त वीडियो होने वाला है। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लेगा, चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, तो देर किस बात की है, हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको टेलीग्राम ऐप को ओपन कर लेना है और आपको बॉटम साइड में आपको एक पेंसिल का आइकन देखने को मिल जाता है और आपको उस पर टैप करना है। जैसे ही आप उस पर टैप करोगे तो आपको न्यू मैसेजेस करके आपको एक सेक्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको टॉप में जाता है तीन ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है न्यू ग्रुप, क्योंकि आज का टॉपिक ही है टेलीग्राम में न्यू ग्रुप कैसे क्रिएट करें। और आपको न्यू ग्रुप वाले ऑप्शन पे एक बार टैप करना है तो आपको स्टार्टिंग में ही मेंबर्स को ऐड करने की फीचर्स देखने को मिल जाता है। अगर आप इसे अभी ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, ये अभी कंपलसरी नहीं कि आपको स्टार्टिंग में ही ऐड करना है, आप ग्रुप को क्रिएट होने के बाद भी जो है आप मेंबर्स को ऐड कर सकते हो। आप टेलीग्राम ग्रुप में जो है अप टू 200,000 मेंबर्स को ऐड कर सकते हो। प्रेजेंटली अगर आप यहाँ पे कोई भी मेंबर्स को ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप ऐड कर लो, अदरवाइज आपको बॉटम में जो है नेक्स्ट करके आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है और आपको उस पर टैप कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस करोगे तो आपको अगेन एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाता है और आपको यहाँ पे अपने ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का जो है नेम यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप जो है आपको हमेशा यूनिक सेलेक्ट करना है, क्योंकि जितना यूनिक आपका टेलीग्राम ग्रुप होगा वो उतना ज्यादा से ज्यादा जो है उतना जल्दी जो है आपका टेलीग्राम ग्रुप जो है सर्च रिजल्ट में आएगा। मैं यहाँ पे जो है एक यूनिक नेम सेट किया हूँ, टेक विथ गॉसिप, और यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ। आप जो भी सिलेक्ट किए हो आप यहाँ पे इंटर कर देना। टेलीग्राम ग्रुप में नेम इंटर कर लेने के बाद आपको उसके जस्ट नीचे ऑटो डिलीट मैसेजेस करके आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि करेंटली रूप से ऑफ है। अगर आप इस फीचर्स को इनेबल करते हो तो इसका बेनिफिट यह हो जाता है कि आप एवं आपके द्वारा जो मेंबर्स इस ग्रुप में जो भी मैसेजेस करेंगे वो सिलेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो है कस्टमाइज के रूप में कुछ समय देखने को मिल जाता है, 1 day, 1 week, 1 month, या फिर अगर आप इसे कुछ कस्टमाइज के रूप में बाय डिफॉल्ट आप खुद से सेट करना चाहते हो, यहाँ पे आपको जो है 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो भी आप सेट करना चाहते हो तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप इस फीचर्स को स्किप भी कर सकते हो, ये कोई कंपलसरी नहीं है। और इतना करने के बाद आपको चेक मार्क पे टैप कर देना है। जैसे ही आप चेक मार्क पे टैप करोगे आप देखोगे कि आपका जो चैनल है वो क्रिएट हो चुका है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये चैनल जो है पार्शियली रूप से क्रिएट हुआ है, ये कम्प्लीटली अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है, इसमें अभी एडवांस सेटिंग करना बाकी है, जिसको करने के लिए आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके नेम पर आपको एक बार टैप करना है। जैसे आप उस पर टैप करोगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो नेम है उसके जस्ट ऊपर आपको पेन का आइकन देखने को मिल जाता है और आपको उस पर जो है एक बार टैप करना है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट लुक में जो है आपको टेलीग्राम का जो है नेम देखने को मिल जाता है, टेलीग्राम ग्रुप का आपको नेम देखने को मिल जाता है, और उसके जस्ट बगल में जो है आपको प्रोफाइल फोटो देखने को मिल जाता है, जिसको चेंज करने के लिए आपको सेट फोटो पे एक बार टैप करना है, जो कि रिडायरेक्ट करेगा आपके गैलरी में और आपको अपनी गैलरी के माध्यम से आपको फोटो को पिक कर लेना है। जब आप प्रोफाइल फोटो को सेट कर लोगे तो उसके जस्ट नीचे जो है आपको डिस्क्रिप्शन का आपको एक सेक्शन देखने को मिल जाता है और आपको जो है यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन जो है सेट कर लेना है। जिस भी कैटेगरी का जो है आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है उस कैटेगरी के रिगार्डिंग जो है आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंटर कर देना है। जो भी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे एंटर करोगे तो आपके द्वारा एंटर किया गया डिस्क्रिप्शन जो है आपको इस प्रकार देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपको डिस्क्रिप्शन जो है कि यूनिक वे में एक प्रोफेशनल तरीका से लिखना है, क्योंकि आपका डिस्क्रिप्शन
नहीं आइडेंटिफाई कर पाए कि आपका जो ग्रुप है वो किस कैटेगरी का है, एक कैटेगरी का है, स्टडी कैटेगरी का है, या फिर कोई भी फनी वीडियो कैटेगरी का है। यहाँ पर जो मैंने ये ग्रुप क्रिएट किया है ये टेक कैटेगरी का है, इसलिए मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ टेक एंड टिप्स। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ मैं अनबॉक्सिंग का भी वीडियो डालूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे अनबॉक्सिंग एंटर कर देता हूँ। आपका जो भी कैटेगरी का आप उसके रिगार्डिंग जो था यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप एंटर कर लो। जब आप डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे एंटर कर लोगे तो उसके जस्ट नीचे आपको एक सेक्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको जो था तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला ऑप्शन होगा ग्रुप टाइप। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे सिलेक्ट है प्राइवेट और आपको यहाँ पे एक बार टैप करना है। जैसे ही आप ग्रुप टाइप पे टैप करोगे तो यहाँ पे आप देखो कि जो ग्रुप है वो दो कैटेगरी में बट गया है। भाई आप भी कंफ्यूज कि प्राइवेट ग्रुप और पब्लिक ग्रुप होता है क्या है भाई, तो चलो भाई मैं बता देता हूँ कि प्राइवेट ग्रुप और पब्लिक ग्रुप में क्या अंतर है। भाई यहाँ पे सबसे बड़ा झोल है, अगर आप नहीं समझोगे तो आपका जो ग्रुप है वो सर्च रिजल्ट में नहीं आने वाला है। प्राइवेट ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि डायरेक्टली सर्च में नहीं आता है। अगर आप इस ग्रुप में किसी भी मेंबर्स को ऐड करना चाहते हो, आपको इस ग्रुप का जो लिंक है उस मेंबर्स को आपको सेंड करना है जिस व्यक्ति को आपको ऐड करना है। जबकि पब्लिक ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि डायरेक्टली सर्च रिजल्ट में आता है और आपके व्यूअर्स सब्सक्राइबर जो होता है डायरेक्टली सर्च के माध्यम से आपके पब्लिक ग्रुप में जो होता है ऐड हो सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे हमेशा सेलेक्ट करना है पब्लिक ग्रुप। पब्लिक ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद उसकी जस्ट नीचे जो होता है आपको पब्लिक लिंक सेलेक्ट करना है। पब्लिक लिंक जो होता है आप अपने चैनल का नेम कभी रख सकते हो। यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, मेरा चैनल का नेम है टेक विद गॉसिप, तो मैं पब्लिक लिंक भी उसी नाम का रख देता हूँ। अगर अवेलेबल रहा तो मुझे मिल जाएगा, अगर नहीं रहा तो मुझे तो दूसरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस नेम का मेरा जो ग्रुप है उसी नेम का जो था मुझे लिंक जो था मिल गया है। पब्लिक लिंक के जस्ट नीचे जो था आपको मैनेज इनवाइट लिंक करके आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है और आपको उस इनवाइट लिंक पे टैप कर देना है। इस इनविटेशन लिंक को क्रिएट करने का ये बेनिफिट हो जाता है कि इस लिंक को आप जिस भी व्यक्ति को सेंड करोगे उस लिंक के माध्यम से जो होता है सिलेक्टेड नंबर ऑफ यूजर्स ही ऐड हो पाते हैं। साथ ही साथ जो होता है वो लिंक जो होता है उतने टाइम के लिए जो होता है वैलिड हो पाता है जितना जो होता है आप सेट करते हो। जिसको क्रिएट करने के लिए आपको जो होता है बॉटम में जो होता है क्रिएट न्यू लिंक करके आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है और आपको उस ऑप्शन पे टैप करना है, जिसका पहला ऑप्शन है रिक्वेस्ट एडमिन अप्रूवल। और आप देखो कि ये ऑप्शन जो होता है यहाँ पे ऑफ है। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हो जो भी मेंबर्स आपके ग्रुप में ऐड होना चाहता है सबसे पहले जो होता है वो आपसे जो होता है अर्थात एडमिन से जो होता है उसको परमिशंस लेना होगा। अगर एडमिन जो होता है उसका जो होता है अलाउ कर देता है तभी वो जो मेंबर्स होता है आपके ग्रुप में जो होता है ऐड हो पाएगा, अदरवाइज जो होता है वो मेंबर्स जो होता है कभी भी आपके ग्रुप में नहीं ऐड हो पाएगा। उसके जस्ट नीचे लिमिटेड बाय टाइम पीरियड करके आपको एक सेक्शन देखने को मिल जाता है। इसका बेनिफिट यह हो जाता है कि जो भी लिंक आपने क्रिएट किया है उसका एक्सपायरी कितने समय में हो जाएगा, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, अदरवाइज आप कस्टमाइज करना चाहते हो कि नहीं भैया मुझे जो था 3 दिन, 4 दिन, जो भी हो आप यहाँ पे सेट टाइम लिमिट के माध्यम से आप सेट कर सकते हो। उसके जस्ट नीचे लिमिटेड बाय नंबर ऑफ यूजर्स अर्थात उस लिंक के माध्यम से कितने यूजर्स जो होता है कितने मेंबर्स जो होता है ऐड हो पाए। यहाँ पे जाता आपको 1 मेंबर, 10 मेंबर, 100 मेंबर या फिर 9 लिमिट, अदरवाइज आप कस्टमाइज करना चाहते हो कि नहीं भाई इसमें जो था केवल जो था 200 मेंबर ही ऐड हो, अदरवाइज जो था अगर आप यहाँ चाहते हो कि 200 ना हो और ज्यादा हो आप अपने मन से कस्टमाइज कर सकते हो। उसके जस्ट नीचे जो था लिंक नेम करके आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप लिंक को जो था अपने नाम का भी जो था क्रिएट कर सकते हो। मैंने जो था चैनल का नाम था टेक विद गॉसिप, यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ टेक विद गॉसिप रख देता हूँ। और इतना कर लेने के बाद आपको जो था क्रिएट लिंक पे टैप कर देना है। अगर आप जो था इस लिंक को सेंड करना चाहते हो तो आपको 3 डॉट पे आपको टैप करना है और यहाँ पे आपको जो था इस लिंक को जो था शेयर के माध्यम से आपको शेयर कर देना है। और इतना कर लेने के बाद आपको जो था बैक हो जाना है। मैनेज इनवाइट लिंक के जस्ट नीचे आपको जो होता है अप्रूव न्यू मेंबर्स करके आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि जो होता है ऑफ है। ये वही फीचर्स है जहां पे जो होता है मेंबर्स को जो होता है सबसे पहले परमिशंस लेना होगा। अगर एडमिन अप्रूव कर दिया तभी वो मेंबर्स ऐड होगा, अदरवाइज वो मेंबर्स जो होता है ऐड नहीं हो पाएगा। आप इसको इनेबल करना चाहते हो तो आप इसे इनेबल कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे भी कर सकते हो, ये कोई कंपलसरी नहीं है। उसके जस्ट नीचे कंटेंट प्रोटेक्शन, आप जो होता है ग्रुप में कोई भी जैसे कि कोई भी इमेज हो गया कोई भी वीडियो जो अपलोड करते हो चाहते हैं कि कोई भी मेंबर्स जो कि हमारे ग्रुप में है उसे जो तो ना तो कॉपी करे और ना ही किसी अनदर ग्रुप में जो जाके जो था उसे फॉरवर्ड करे, वो सब सारी चीजें जो था वो हमारे मेंबर्स ना कर पाए, तो उसके लिए जो था आपको इस रेस्ट्रिक्ट सेविंग कंटेंट को जो था आपको इनेबल कर देना है। अगर आप इतना चीज को करना चाहते हो तो आप इनेबल कर लो, अदरवाइज आपको टॉप में जो था चेक मार्क होगा आपको चेक मार्क में टैप कर देना है। अब चलते हैं सबसे लास्ट सेक्शन जिसका पहला ऑप्शन है रिएक्शन। अगर आप इस फीचर्स को इनेबल करते हो आपके मेंबर्स जो होता है आपके कंटेंट आपके वीडियो पे जो होता है रिएक्शंस दे पाएंगे। जो भी रिएक्शंस आपको इंपॉर्टेंट लगता है आप यहाँ पे जो होता है इसके
टॉगल को इनेबल कर दो और इतना करने के बाद आपको जो है बैक हो जाना है। उसके जस्ट नीचे आपको परमिशंस करके आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है और आपको इस ऑप्शन पर टैप करना है। यहाँ पे आपको जो है नया इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जिसका पहला ऑप्शन में बताया गया है कि आपके मेंबर्स जो कि ग्रुप में ऐड हुए हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं, मीडिया को सेंड कर सकते हैं, अगर मीडिया को सेंड कर सकते हैं किस प्रकार के मीडिया को सेंड कर सकते हैं, फोटो, वीडियो, स्टिकर, म्यूजिक, जो भी आपको प्रेफर लगता है आप उसमें चेक मार्क कर दो, अदरवाइज आप उसमें इसको ऑफ कर सकते हो। साथ ही साथ आपके मेंबर्स जो है किन्हीं अन्य यूजर्स को ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐड कर सकते हैं तो आप जो है ऐड यूजर्स वाले को इनेबल कर दो। उसके जस्ट नीचे स्लो मोड करके आपको एक सेक्शन देखने को मिल जाता है। इसका बेनिफिट यह हो जाता है कि आपके मेंबर्स जो कि आपके ग्रुप में ऐड हुए हैं वो एक मैसेज को सेंड करने के बाद कितने सेकंड का वेट करेंगे, 10 सेकंड, 30 सेकंड, 1 सेकंड, जो भी आप कस्टमाइज करोगे उतने सेकंड का उनको वेट करना पड़ेगा। तो उन मेंबर्स को जो है उनको जो है एक टाइमर देखने को मिलेगा और उन टाइमर के बाद ही जो है वो दूसरे मैसेज को सेंड कर पाएंगे। जो भी आपको टाइम प्रेफर लगता है तो आप सेट कर सकते हो, अदरवाइज जो है इसे आप ऑफ भी रख सकते हो। उसके जस्ट नीचे रिमूव्ड यूजर्स करके आपको एक सेक्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको जो है अर्थात एडमिन को पता चलेगा कि कौन कौन मेंबर्स को आपने जो है रिमूव किया है। और इतना करने के बाद आपको जो है टॉप में चेक मार्क होगा और आपको उस पर टैप कर देना है। परमिशंस के जस्ट नीचे आपको एडमिनिस्ट्रेटर करके आपको एक ऑप्शन होगा और आपको उस पर टैप करना है। एडमिनिस्ट्रेटर में जो है आपको जो है पहला सेक्शन में जो है आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें से जो है आपको रिसेंट एक्शन में आपको पता चलेगा कि जो है आपने चैट में जो है क्या क्या जो है आपने एक्शन किया है, सारे चीजें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके जस्ट नीचे आपको एग्रेसिव एंटी स्पैम करके आपको एक फीचर्स देखने को मिल जाता है। इसका बेनिफिट यह होता है कि अगर आपके ग्रुप में कोई भी स्पैम मैसेजेस रहेगा ये फीचर्स जो है उस मैसेज को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। लेकिन ये फीचर्स तभी इनेबल होगा जब आपके ग्रुप में जो है 200 मेंबर से ऊपर रहेगा। आप देखोगे यहाँ पे बताया गया कि 200 मेंबर ऊपर रहना चाहिए। उसके जस्ट नीचे एड एडमिन करके आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है और आप इस ऑप्शन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को किसी भी मेंबर्स को एडमिन बना सकते हो। एड एडमिन वाले ऑप्शन के जस्ट नीचे आपका प्रोफाइल होगा और आपको उस पर जो है एक बार टैप करना है। यहाँ पर आपको मिडिल वाले सेक्शन में रिमेन एनोनिमस करके आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पे ऑफ होगा। अगर आप इस फीचर्स को इनेबल करते हो तो इसका बेनिफिट यह हो जाता है कि दूसरे मेंबर्स को पता नहीं चल पाता है कि आप इसके एडमिन हो। वहाँ पे जो है ऑनर की जगह पे उसको कुछ भी नहीं शो करेगा। उसके जस्ट नीचे आपको कस्टमाइज टाइटल करके आपको एक सेक्शन देखने को मिल जाता है और आप इस टाइटल के माध्यम से एडमिन के लिए जो ऑनर जो ये शब्द शो कर रहा है उसके जगह पे आप दूसरे शब्द को यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे पावरफुल सेट कर देते हैं तो आपको जो है वहाँ पे ऑनर के जगह पे जो है पावरफुल वहाँ पे सेव करेगा। और इतना कर लेने के बाद आपको चेक मार्क पे टैप कर देना है और आपको बैक हो जाना है। एडमिनिस्ट्रेटर के जस्ट नीचे आपको मेंबर्स करके एक आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है और आप मेंबर्स के माध्यम से आप यहाँ पे जो है मेंबर्स को ऐड कर सकते हो, जितने सारे मेंबर्स को, up to 2 लाख। इतना ही नहीं, अगर आप जो है अपने ग्रुप में जो है किसी भी मेंबर्स को हाइड करना चाहते हो तो आपको टॉप में जो है हाइड मेंबर्स करके आपको एक टॉगल देखने को मिल जाता है और आप जो है इस टॉगल के माध्यम से जो है टेलीग्राम ग्रुप में जो है अपने मेंबर्स को हाइड कर सकते हो। लेकिन ये फीचर्स तभी इनेबल होगा जब आपके टेलीग्राम ग्रुप में जो है 100 से अधिक मेंबर्स होंगे। ये जो है आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, आप देख भी रहोगे। और इतना कर लेने के बाद आपको बैक हो जाना है। फाइनली दोस्तों, आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है वो प्रॉपर एवं वेल मैनर में जो है रेडी हो चुका है। आई होप गाइस कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपने टेलीग्राम में एक टेलीग्राम ग्रुप को एक अच्छे तरीके से एक प्रॉपर वे में बना लिया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है। दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है तो प्लीज वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए हजारों मोटिवेशन का कारण बनता है। साथ ही साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट अगले व्यूअर्स के लिए इंस्पायरेशन का भी कारण बनता है। तो चलिए, आज के लिए गौतम कृष्ण को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए अंदाज में। थैंक यू।